अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 14 को ही स्टडी करना है और आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही जो है वो कंसेप्चुअल टॉपिक है ह्यूमन हार्ट। आज हम दिल के अंदर जाके डिस्कस करेंगे कि दिल का स्ट्रक्चर क्या जो है वो कैसा होता है, दिल के अंदर है क्या, एक्चुअली किस चीज़ का दिल बना हुआ है और इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं और उनका फंक्शन क्या है। तो ये सारा कुछ आज के टॉपिक में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। आप लोगों का काम है जो है वो फोकस करना और इसको अच्छे तरीके से जो है वो डिस्कस करना और इसके बारे में क्वेश्चंस करना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो लोग YouTube पे हैं वो भी कैंपस डॉट पी के पे आ जाएं, आज का टॉपिक किसी ने भी मिस नहीं करना है। जो लोग अभी तक कैंपस डॉट पी के पे नहीं आए हैं वो फ़ौरन आ जाएं ताकि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें। हाँ जी स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर से कोई क्वेश्चन करना है, कोई बात पूछनी है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, फिर मैं अपना लेक्चर आज का स्टार्ट करता हूँ। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम वीडियोस भी जो है वो देखेंगे कि दिल जो है वो किस तरह से काम करता है और इसके अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो कैसे होता है। तो सारा कुछ आज के लेक्चर में होगा इंशाल्लाह दिल के बारे में। वैसे तो दिल के बारे में काफ़ी डिस्कशंस होती हैं, दिल के और भी कई काम हैं पंपिंग के अलावा। तो हम वो सारे जो फंक्शंस डिस्कस करते हैं ना आम रूटीन में, उनको रिजेक्ट कर देंगे, हम सिर्फ पंपिंग पे बात करेंगे, ठीक है। बाकी जो दिल के बारे में डिस्कशंस होती हैं वो सारी ऐसी फेक होती हैं, ठीक है, उनके बारे में आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ठीक है। लें जी, तो स्टूडेंट्स तमाम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं प्रीवियस लेक्चर से, फिर हम अपना लेक्चर जो है वो आज का स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, जिन बच्चों ने सलाम किया है फ़िलहाल उन तमाम को मेरी तरफ से वालेकुम अस्सलाम। अब हम जो है वो खैर आफ़ियत पता करने के बाद दिल की खैर आफ़ियत जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है जी। हेयर वी गो। ह्यूमन हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन। ये सर्कुलेटरी सिस्टम का सेकेंड पोर्शन है, सेकंड कंपोनेंट है। इसके बगैर ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो काम नहीं कर सकता, ठीक है। ह्यूमन हार्ट कहाँ होता है? ह्यूमन हार्ट थोरेसिक कैविटी में होता है। ये थोरेसिक जो है वो कैविटी है जिसके अंदर लंग्स भी होते हैं और हार्ट भी होता है। इसको चेस्ट कैविटी कहते हैं आमतौर पर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? चेस्ट कैविटी। तो ये इसकी लोकेशन है। ये इसकी क्या बच्चों? ये लोकेशन है कि हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है। तो आपको मैंने बता दिया हार्ट कहाँ प्रेजेंट है, चेस्ट कैविटी में, ठीक है जी। आमतौर पर ये एक थैली के अंदर बंद होता है। कहाँ बंद होता है भाई? थैली के अंदर बंद होता है। उस थैली को हम पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। तो ये जो थैली आपको नज़र आ रही है, दिस थैली इज़ नोन एज पेरिकार्डियम, ठीक है। ये थैली हार्ट की वॉल नहीं है, हार्ट की वॉल अंदर है ये वाली, लेकिन ये हार्ट की वॉल के बाहर एक थैली है, इसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। ये थोड़ा सा HD में करके आपको दिखाया गया है, इस पोर्शन को थोड़ा सा HD में किया है तो ये नज़र आया। दिस इज़ द मैग्नीफाइड पोर्शन, ठीक है। इसके अंदर आपको ये लास्ट वाली जो लेयर है ये पेरिकार्डियम की है। ये जो अंदर वाली मेहरून और ब्राउनिश सी लेयर है ना, ये हार्ट की वॉल है। हार्ट की वॉल के बाहर क्या नाम है? पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम को हार्ट की वॉल में मिक्स नहीं करना, ठीक है। हार्ट की वॉल के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, सॉरी वॉल कह रहा हूँ, पेरिकार्डियम के अंदर जो है वो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है और इसका काम है दिल की हिफाजत करना। जब दिल एक्सटेंशन कर रहा होता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन, तो इसकी ओवर एक्सटेंशन से ये थैली बचाती है, दिल को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होने देती। तो ये थैली हार्ट की वॉल के बाहर है, ये दिल है और थैली कहाँ पर है जी? हार्ट की वॉल के बाहर। तो ये समझ आ गया भाई सबको कि पेरिकार्डियम क्या। तो आपने एक कमेंट करना है, पेरिकार्डियम इज अ सैक, पेरिकार्डियम इज अ सैक इन विच हार्ट इज एनक्लोज्ड। पेरिकार्डियम एक ऐसी थैली है जिसमें अल्लाह ने दिल को बंद किया हुआ है, ठीक है। दिल जिस थैली के अंदर बंद है उस थैली का नाम क्या है? पेरिकार्डियम। जल्दी से कमेंट कर दें, ये पेरिकार्डियम इज अ सैक इन विच हार्ट इज एनक्लोज्ड।
जल्दी से कमेंट कर दें। अच्छा जी, इसके बाद इसके बारे में जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि पेरिकार्डियम कहाँ पर है और इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोग नोट कर लें। ये वो लेयर है जो हार्ट को एनक्लोज करती है और इसका काम क्या है, ये हार्ट को ओवर एक्सटेंशन से बचाती है। अच्छा जी, तमाम लोगों ने कमेंट कर दिया जी, हम आगे चलते हैं। लें जी, वेरी गुड, तमाम बच्चों ने कमेंट कर दिया, बाकी बच्चे जो जो रह गए वो भी कमेंट कर दें। तो हार्ट एक थैली है, ठीक है, ये थैली जो नज़र आपको आ रही है, ये थैली क्या है, ये पेरिकार्डियम है। अब इसके अंदर से हार्ट की वॉल स्टार्ट होगी। जब ये थैली हम अलग करके अंदर जाएंगे तो अंदर से हार्ट की वॉल स्टार्ट होगी, ठीक है जी। लें जी, अब हार्ट की वॉल आती है। हार्ट की वॉल के अंदर तीन लेयर्स हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ये हार्ट की वॉल है, ये पेरिकार्डियम के अंदर है। पेरी को आपने इनके साथ मिक्सअप नहीं करना। कुछ बच्चे कहते हैं कि ये तीन जो लेयर्स हैं ये पेरिकार्डियम की हैं। ये तीन लेयर्स किस चीज़ की हैं, पेरिकार्डियम की हैं, लेकिन ये तीन लेयर्स पेरिकार्डियम की नहीं हैं। पेरिकार्डियम हार्ट के अराउंड एक थैली है, ये वाली, ये थैली है पेरिकार्डियम, ठीक है, पेरिकार्डियल सैक, ये सैक है। सैक के अंदर अलग से जो वॉल है ना वो तीन लेयर्स पर मुश्तमिल है, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब ये है कि हार्ट की वॉल तीन लेयर्स पर मुश्तमिल है, एपिकार्डियम बाहर वाली, मायोकार्डियम दरमियान वाली और एंडोकार्डियम अंदर वाली। तो ये एक और कमेंट बनेगा, हार्ट वॉल, हार्ट की जो दीवार है कंसिस्ट ऑफ एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, ठीक है जी। तो ये दूसरा कमेंट कर दें आप लोग कि हार्ट की वॉल, हार्ट ऑफ वॉल या हार्ट वॉल, वॉल ऑफ हार्ट, वॉल और वॉल ऑफ हार्ट कंसिस्ट ऑफ एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, ठीक है जी। तो पता चल गया, वॉल अलग थी और थैली अलग है, वॉल अंदर है और थैली बाहर है, ठीक है जी। यानी ये जो वॉल है ना ये तो हार्ट का पार्ट है, थैली हार्ट को एनक्लोज करती है, मीन उसके अंदर हार्ट बंद किया हुआ अल्लाह ने, ठीक है। लें जी, अच्छा जी, ये कमेंट किया बच्चे ने कि हम क्या चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, जी बिल्कुल करेंगे। ये कुछ लास्ट टॉपिक्स हैं चैप्टर 14 के, बहुत इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअल हैं, इसलिए मैंने जो है ये छोड़े नहीं है, मैंने कहा ये कंप्लीट करवा के फिर हम चैप्टर नंबर 1 पर जाएँ, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 का पेयर भी 14 के साथ। अच्छा जी, नेक्स्ट कमेंट है कार्डियम क्या, बेटा कार्डियम का नाम हार्ट के साथ रिलेट करता है, ठीक है। जब किसी नाम के साथ कार्डियम लिखा हो ना तो इसका मतलब ये है कि वो हार्ट की चीज़ है। तो ये लेयर है एपिकार्डियम, बाहर वाली हार्ट की लेयर, और ये दरमियान वाली हार्ट की लेयर, और ये अंदर वाली हार्ट की लेयर, ये हार्ट की वॉल है, ठीक है। हार्ट वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, और वॉल के अराउंड क्या होगी, पेरिकार्डियम, जो कि थैली है, सैक का वर्ड होगा उसके लिए। एपिकार्डियम के बारे में ज़्यादा डिटेल हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये बाहर वाली लेयर है। मायोकार्डियम के बारे में डिस्कस करेंगे, दरमियान वाली लेयर है, इसके अंदर मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स। ये देखें, ये मायोकार्डियम है, ये सारे क्या हैं जी, ये मसल्स हैं, ये क्या हैं जी, कार्डियक मसल्स हैं, ठीक है जी। ये कार्डियक मसल्स आप लोगों ने चैप्टर नंबर 9th के चैप्टर नंबर 4 के अंदर मस्कुलर जो टिश्यूज़ है उसके अंदर पढ़ा होगा कि कार्डियक मसल जो हैं ये मस्कुलर टिश्यू की टाइप हैं। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स होते हैं जिनको मायोफिब्रिल कहते हैं, वो मायोफिलामेंट्स के बने हैं, और उनके अंदर प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन होते हैं। इनकी कंप्लीट डिटेल इंशाल्लाह हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। ये मसल का स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा जो है वो मैंने बता दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, मायोकार्डियम में कौन है, बस ये जो मैंने लाइन हाईलाइट की हुई है ये आप लोग याद कर लें। मायोकार्डियम के अंदर हार्ट के मसल्स होते हैं, जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना भाई, दिल के अंदर कार्डियक मसल है, तो भाई कहाँ पर है, वो मायोकार्डियम में, ठीक है, एंडो में नहीं है, एपी में नहीं है, कहाँ जी, मायोकार्डियम में। लें जी, और ये मसल स्केलेटल मसल से रिजेंबल करते हैं क्योंकि इनके ऊपर स्ट्रिएशंस होती हैं, धारियां होती हैं। आपको याद है 9th में आपने पढ़ा था स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं, धारीदार मसल्स होते हैं। ये इनके लंबे लंबे सेल्स हैं, ब्रांचिंग सेल्स होते हैं दिल की
वॉल के अंदर जो मस्कुलर सेल्स हैं ना, मसल फाइबर्स हैं, ये लंबे लंबे ब्रांच सेल्स होते हैं, इनमें न्यूक्लियस ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, एक सेल के अंदर। ये देखिए लंबे लंबे ब्रांच सेल्स हैं, ये ब्रांच निकल रही है ना इस सेल की, ठीक है, इस सेल की ये वाली ब्रांच निकल रही है, तो ये वाले सेल्स ब्रांच्ड हैं, सेल्स आर लॉन्ग एंड ब्रांच, ये मसल के सेल्स हैं। आपको पता है ना मसल एक टिश्यू है, तो जो टिश्यू होता है बच्चों वो सेल से मिलकर बनता है। तो ये सेल्स कैसे हैं, दिल के सेल दिखा रहे हैं जी आपको, ये वॉल जो है ना, अब इसके अंदर सैक नहीं दिखाया आपको, सैक हटा दिया, सैक के अंदर हम वॉल देख रहे हैं। वॉल के अंदर मायोकार्डियम को HD में देखा तो आपको देखें लंबे लंबे सेल नज़र आ रहे हैं, इस तरह के दिल के मसल हैं, हमारे दिल के मसल में इस तरह के सेल हैं बच्चों, देख लो तमाम के दिल के अंदर इस तरह के सेल हैं, आपके भी मेरे भी, हर इंसान के दिल के सेल्स इस तरह के हैं, लंबे लंबे और ब्रांच्ड, ठीक है, और ये सेपरेट होते हैं इंटरकलेटिक डिस्क से, ठीक है। ये देखिए ये डिस्क बनी हुई है, ये डिस्क है, ये डिस्क है, ये डिस्क है, इस इन डिस्क के जरिए ये सेल्स सेपरेट हुए होते हैं एक दूसरे से, क्यों भाई, मज़ेदार है ना चीज़, आज आपके सामने दिल खोल के रख दिया मैंने, क्यों भाई, खुल गया ना दिल, मुश्किल तो नहीं है, आसान है, वेरी गुड। अब जो है ना हमने इसका फंक्शन देखना है, इसका फंक्शन कॉन्ट्रैक्शन है, ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्शन करता है हार्ट, क्योंकि ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, खुद ब खुद हार्ट बीट चलती है, हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। अब हम चलते हैं हार्ट के पार्ट्स की तरफ। हार्ट के चार चैम्बर हैं, दो अपर वाले आर्टरी हैं और दो लोअर वाले वेंट्रिकल। अब आर्टरिया देखते हैं जी कहाँ हैं, ये देखें, ये है राइट आर्टरिया, मैंने जान के यहाँ पे चीज़ें नहीं दिखाई आपको, हम खुद लिखेंगे, ये जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज़ द राइट आर्ट्रियम, ये क्या बच्चों बोलें, राइट आर्ट्रियम, इसके बिल्कुल साथ पैरेलल ये क्या है, लेफ्ट आर्ट्रियम, क्लियर हो गए, दो ऊपर वाले आर्ट्रियाँ हैं जो दिल की तरफ आने वाले खून को रिसीव करते हैं, आर्ट्रिया का हमेशा रिसीव करना होता है, ठीक है। ये ब्लू इसलिए दिखाया क्योंकि ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम लंग्स। ये क्या है, नीचे वाले, ये वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, पता चल गया भाई सारे चैम्बर्स को। हम सर्कुलेशन देखते हैं, डबल सर्किट हार्ट है जी ये, एक इसका खून का चक्कर दिल से बॉडी की तरफ लगता है, उसको हम नाम देते हैं सिस्टेमिक, जो खून का चक्कर दिल से ये वाला चक्कर, ये चेक करें मेरे कर्सर को चेक करें, ये देखें, ये दिल से खून का चक्कर बॉडी की तरफ लगता है, पूरे ऑर्गन्स की तरफ ये वापस आया खून दिल के अंदर। अच्छा, इससे क्या पता चल रहा है कि ये लेफ्ट साइड से जा रहा है और राइट साइड पे आ रहा है, यही पता चल रहा है ना सबको, राइट साइड से ये रिसीव करता है खून को और लेफ्ट साइड से ये खून को पंप करता है, बॉडी की तरफ बात हो रही है, किसकी तरफ, बॉडी की तरफ, ठीक है। इस सर्कुलेशन को सिस्टेमिक कहते हैं, जिसमें खून दिल से निकलकर बॉडी के टिश्यूज़ की तरफ जाता है और बॉडी के टिश्यूज़ से वापस दिल में आ जाता है, ठीक है जी। उसके बाद दूसरी है पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी क्या है जी, पल्मोनरी सर्कुलेशन ये कहाँ से होती है, ये लंग्स की तरफ खून जाता है ऑक्सीजन लेने के लिए और लंग से वापस आ जाता है दिल की तरफ। अब इसमें राइट साइड से खून जाता है और लेफ्ट साइड पर खून आता है, ये अपोजिट है, ठीक है जी। इसको कहते हैं पल्मोनरी, वो खून का चक्कर, खून चक्कर लगा के आ रहा है ना भाई, लंग्स के पास जा रहा है, क्या लेने जा रहा है, देखो नीला खून गया, नीला सिर्फ कलर के लिए शो किया आपको, इंटरेस्ट के लिए, ये नीला खून बेसिकली डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये लंग्स के पास क्या लेने गया, ऑक्सीजन लेने। जब लंग्स ने इसको ऑक्सीजन दे दी, लंग्स के पास कहाँ से आई, ऊपर से आई जब हमने सांस लिया, तो ये खून वापस दिल में आ गया। तो ये चक्कर खून का जो लंग्स की तरफ लगा, इस चक्कर को बच्चों हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, क्या नाम देते हैं जी, पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्या नाम देते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और वो चक्कर खून का जिसमें वो खून बॉडी की तरफ से होकर आता है, बॉडी को ऑक्सीजन देकर आता है, वो चक्कर खून का सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, क्लियर हो गया। तो अब मैं बताता हूँ आपको ये चक्कर किस तरह से चलता है, ये देखें, ये सारे नंबर्स आपके सामने शो हो रहे हैं जिससे आपको पता चलेगा कि सबसे पहले खून कहाँ आया। नंबर वन, राइट आर्ट्रियम,
राइट आर्ट्रियम में खून आता है, कहाँ से आता है खून? पूरी बॉडी से, एक ये वाली नाली इसके अंदर गिर रही है और एक ये वाली नाली इसके अंदर गिर रही है, इसको कहते हैं सुपीरियर वेना कैवा। मिल गई सबको, ढूंढें सुपीरियर वेना कैवा कहाँ गिरती है? राइट आर्ट्रियम में। इन्फीरियर वेना कैवा भी कहाँ गिरती है? राइट आर्ट्रियम में। ये दोनों ब्लू कलर से शो किए हैं, इसका मतलब इनमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वेना कैवा वेन की सबसे बड़ी फॉर्म है, सबसे बड़ी वेन का नाम वेना कैवा, वेन वेना, वेना कैवा इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी। सुपीरियर मीन ऊपर वाली वेना कैवा, जो ऊपर वाले पार्ट से खून लेकर आ रही है डी ऑक्सीजनेटेड, जो टिश्यूज ने यूज़ कर लिया खून। और जैसे हम टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं ना, एक यूज़ किया हुआ टिश्यू पेपर होता है और एक नया टिश्यू होता है हम, फिर या किसी कपड़े की बात करें, एक यूज़ कपड़ा होता है जो गंदा होता है, फिर उसको धो लेते हैं, तो ये गंदा खून है। गंदा तो नहीं कहना चाहिए लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ। पूरे नीचे वाले बॉडी पार्ट से खून इन्फीरियर वेना कैवा के जरिए आया और ऊपर वाले बॉडी पार्ट से सुपीरियर वेना कैवा के जरिए आया। कहाँ गिरा? राइट आर्ट्रियम में। तो तमाम लोग कमेंट करेंगे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर और नीचे से राइट आर्ट्रियम में गिरता है। जो डेफिनेशन है ना जो प्रॉपर है वो मैं आपको आगे बता दूंगा, फिलहाल आप कॉन्सेप्ट समझ लें, ठीक है? क्या मैंने बताया आपको? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर और नीचे से कहाँ गिरता है? नंबर वन, राइट आर्ट्रियम में गिरता है। क्लियर? कहाँ गिरता है? राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है बच्चों, क्या होता है जी? राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये कॉन्ट्रैक्ट होके खून कहाँ पहुँच जाता है? राइट वेंट्रिकल में। ये स्टेप नंबर टू नोट करें, सबको नज़र आ रहा होगा स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर टू जो है वो सबको नज़र आ रहा होगा, राइट आर्ट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ भाई? इसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए ना, इसकी मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्ट हुई, तो ये कहाँ पहुँच गया खून? राइट वेंट्रिकल में। स्टिल ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इन दोनों के दरमियान एक वॉल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? वॉल। ये वॉल्व पढ़ते हैं, वैसे ये वॉल होता है, जो टूंटियों का वॉल नहीं होता जिससे हम पानी खोल लेते हैं और बंद कर देते हैं, तो ये ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करता है वॉल। जैसे ही ब्लड नीचे आ जाता है ये वॉल बंद हो जाता है। ये ट्राइकस्मिड है क्योंकि इस वॉल में तीन फ्लैप्स हैं, तीन पट्टियाँ लगी हुई हैं, ठीक है? एक दो तीन पट्टियाँ यूँ समझें, ठीक है जी? तीन फ्लैप्स हैं। अब ये वॉल है जिसको हम वॉल्व लिख रहे हैं ना, ये बेसिकली सिंपल वॉल जो घरों में हम यूज़ करते हैं, टूंटियों का वॉल, ठीक है? लें जी, इस वॉल के ज़रिए खून राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब ये डी ऑक्सीजनेटेड। स्टिल एरो चेक करें, ये थर्ड स्टेप के ज़रिए एंटर होगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। ये पल्मोनरी आर्टरी है या इसको पल्मोनरी ट्रंक भी कहते हैं, लेकिन इसकी बेस पे एक वॉल लगा हुआ है। ये वॉल है, चेक करें, इसको सेमी ल्यूनर वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सेमी ल्यूनर वॉल। सेमी ल्यूनर वॉल के ज़रिए ये पल्मोनरी ट्रंक के अंदर खून चला जाएगा। स्टेप नंबर फोर में आपको क्या शो किया? पल्मोनरी ट्रंक। ये चेक करें, सबसे बड़ी पल्मोनरी आर्टरी है ये। ये आर्टरी टी बना देती है। टी कैसे बनाती है? ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। स्टेप नंबर फाइव इधर भी लिखा है और स्टेप नंबर फाइव इधर भी लिखा है। क्या मतलब है? ये ऊपर जाने वाला खून दो डायरेक्शंस में ट्रैवल करता है, क्योंकि लंग्स भी दो है ना, ये ऑक्सीजन लेने जाएगा, तो यहाँ से ये राइट जो हमारा लंग है उससे खून लेकर आएगा और ये लेफ्ट लंग की तरफ जाएगा ताकि उससे भी खून ले आए, ठीक है जी? ये राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होने से ब्लड लंग्स की तरफ चला गया। क्या लेने गया भाई? बोलें ऑक्सीजन लेने। तो अब आप कमेंट करेंगे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स की तरफ ऑक्सीजन लेने गया। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी ट्रंक के जरिए लंग्स की तरफ ऑक्सीजन लेने गया, चला गया लेने। और ये जो वॉल था ना, जो पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी ट्रंक की बेस पे है ये वाला वॉल, दिस वॉल इज सेमी ल्यूनर या पल्मोनरी वॉल, ठीक है जी? थर्ड नंबर पे जो है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखें कि इसकी जो पंपिंग है ना वो नीचे नहीं जा रही, ऊपर की जानिब जा रही है। इसकी पंपिंग ऊपर की जानिब जा रही है, ध्यान से देखें इसकी पंपिंग कहाँ जा रही? ऊपर। ऊपर जाके टी बना रहा है और दो लंग्स की तरफ ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो हो गया, ठीक है? अब लंग्स इसको दे देते हैं खून,
ऑक्सीजन दे देते हैं, इस खून को ऑक्सीजन दे देते हैं, तो लंग्स से ऑक्सीजन लेने के बाद खून वापस आएगा। जब खून वापस आएगा तो यहाँ आएगा लेफ्ट पल्मोनरी वेन और राइट पल्मोनरी वेन में आएगा। 6 नंबर दो जगह लिखा है, राइट साइड पर भी आएगा और लेफ्ट साइड पर भी है। क्यों? क्योंकि दो लंग्स हैं, राइट पे भी है और लेफ्ट पे भी है। अब ये दोनों खून लेफ्ट आर्ट्रियम में गिरेंगे। अब ये खून ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये खून कौन सा है जी? ऑक्सीजनेटेड है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन ले आया है लंग से। अब आप कमेंट करेंगे के ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स फॉल इनटू दी लेफ्ट आर्ट्रियम। ये लेफ्ट आर्ट्रियम है ना, ये लेफ्ट आर्ट्रियम दो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है, कर रहा भाई रिसीव। अब इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आकर गिरा, कहाँ से आए ब्लड? लंग से। तो ये जो चक्कर लगा ना, यहाँ से गया ब्लड और वापस आया, जिसमें उसने ऑक्सीजन ली है, ये चक्कर पल्मोनरी सर्कुलेशन का चक्कर था। अब कहाँ पर है ब्लड? ऑक्सीजनेटेड, रेड कलर ये शो कर रहा है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये अब लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो 7 नंबर पे चेक करें, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया खून। ये जो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान वॉल है, दिस वॉल इज नोन एज बायकस्पिड वॉल। इसमें दो पट्टियाँ नज़र आ रही हैं आपको, एक पट्टी और दो पट्टी, दो बैंड्स हैं, तो बायकस्पिड है, बाय मीन टू। ये भी खून को आने तो देता है लेकिन जाने नहीं देता। अब खून कहाँ पर है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। कौन सा खून है? ऑक्सीजनेटेड। अब ये खून ये पल्मोनरी ट्रंक के नीचे से, ये देखें 8वां नंबर स्टेप, ये इसके नीचे से, इसके अंदर से नहीं जाएगा, इसके नीचे से ये नाली निकलती है और ये ऊपर की जानिब जा रही है, इसको एओर्टा कहते हैं। ये कौन सी नाली है? सबसे बड़ी आर्टरी एओर्टा, जो कि पल्मोनरी ट्रंक के नीचे से निकली है। देखें ये इसकी बुनियाद है। सीधी सीधी पंपिंग नहीं है कि यहाँ से खून इधर चला जाए, नहीं, खून देखें कहाँ से होता हुआ इस एओर्टा के अंदर दाखिल होगा। ये 8वां और ये 9वां स्टेप आप ज़रा मिला दें, 8वें और 9वें स्टेप को मिलाएं तो पता चल रहा है ना, खून इस नीली नाली के नीचे से होता हुआ रेड नाली के अंदर, जिसको एओर्टा कहते हैं, एंटर हो रहा। एओर्टा कह रहे हैं, एओर्टा की बेस पे एक वॉल है, इस वॉल को हम एओर्टिक वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? एओर्टिक वॉल। क्या नाम है जी? एओर्टिक वॉल। ये वॉल भी खून को वापस आने नहीं देगा। एओर्टा ऊपर जाकर आर्क बनाती है। क्या बनाती है? आर्क। आर्क मीन एक कर्व बनाती है। इस कर्व से 3 आर्टरीज निकलती हैं जो ऊपर वाले पार्ट्स, हेड, शोल्डर और नेक को खून पहुंचाती हैं, और फिर ये मुड़ जाती है, मुड़कर ये नीचे से, इधर से नहीं, से जो है वो निकलती है और नीचे वाले सारे बॉडी पार्ट्स को खून पहुंचाती है, ऑक्सीजन वाला खून। अब ये जो खून गया ये बॉडी की तरफ गया है, अब बॉडी को खून रिसीव करवा के खून डीऑक्सीजनेटेड कन्वर्ट होकर दोबारा वेना कैवा के जरिए आकर गिरेगा। तो ये 11th स्टेप देखें, दोबारा खून वापस आ गया। अब ये चक्कर जो ये बॉडी का लगा कर आ रहा है, इसको हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहेंगे। ठीक है जी, काफ़ी मैंने आपको डिटेल के साथ इसका फ्लो समझाया, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। लेकिन ये काम इस तरह नहीं होता जैसे मैंने आपको बताया, ये काम एक साथ होता है, मीन साइमल्टेनियसली होता है। हम वॉल्व की बात कर लेते हैं, ट्राइकस्पिड में 3 फ्लैप्स हैं, ठीक है जी, ये वाला वॉल्व 1, 2 और 3 फ्लैप्स, ठीक है, ये मैंने उसको बड़ा करके दिखाया, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है। उसके बाद हमने सेमी ल्यूनर वॉल जो है देखा था, ये वाला पल्मोनरी वॉल्व जो इधर से ऊपर जा रहा था, फिर बायकस्पिड वॉल्व देखा, इसमें देखे 3, 2 फ्लैप्स हैं, फिर एओर्टिक वॉल्व देखा, ये वॉल्व बड़े करके दिखा दिए। ये वॉल्व फाइबरस कॉर्ड, यानी यूं समझ लें फाइबर्स के ज़रिए जुड़े होते हैं, जिनको कॉर्ड या टेंडन ही कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के लिए MCQ आएगा कि जो फ्लैप्स होते हैं ये किसके ज़रिए जुड़े होते हैं, तो आपने बताना है कॉर्ड या टेंडनी के ज़रिए, ठीक है। ले जी, ब्लड अराइव हुआ, ये सारा कुछ मैंने बता दिया आपको, कहाँ गया और कहाँ नहीं आया, और ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं और वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखें, ये जिस तरह मैंने आपको बताया ना, ये इस तरह से नहीं होता, ये साइमल्टेनियसली होता। मैं आपको एक वीडियो जो है वो शो करता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा होगा। ये देखें, ये हार्ट की पंपिंग आपको दिखाई जा रही है, बच्चों ज़रा चेक करें, ठीक है।
इस हार्ट की पंपिंग के अंदर अब हम जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हार्ट कैसे पंप करता है, ठीक है। कोरोनरी आर्टरीज ऐसी आर्टरी होती हैं जो दिल को ही वापस खून पहुंचाती हैं, क्योंकि दिल को भी तो चाहिए ना खून, के नहीं चाहिए। अब चेक करें, ठीक है, ये कैपिलरीज हैं, हम डायरेक्ट चलते हैं, ठीक है। ये ब्लड का फ्लो है साइमल्टेनियसली, इसमें एक चक्कर दिल से लंग्स तक का लग रहा है, उसको हम पल्मोनरी कहते हैं, और एक पूरी बॉडी तक का। अब ये मैं आपको अंदर से दिखा रहा हूँ, देखिए ये ट्राइकस्पिड वॉल, ये बाइकस्पिड वॉल, ठीक है, और ये जो है इधर से आके ये सेमी ल्यूनर वॉल, और ये जो है ना ये एओर्टिक वॉल, ठीक है। ये सारे ये आर्टरीएम हैं दोनों ऊपर वाले, ये वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल और ये क्या लेफ्ट वेंट्रिकल। अब मैंने दिल खोल दिया, अंदर से खून जो है ना वो आपको दिखाई देगा कि ये कैसे होगा, ठीक है। अब चेक करना आपने खून कैसे आता, ट्राइकस्पिड वॉल बाइक, इसको मिट्रल वॉल भी कहते हैं, ये बाइकस्पिड वॉल है, एओर्टिक वॉल है, ठीक है। ये एओर्टा यहाँ से निकलती है तक, और ये जो है ना पल्मोनिक या पल्मोनरी वॉल है, ठीक है, इसको सेमी ल्यूनर वॉल भी कहते हैं। अब आप चेक करें ज़रा, ये चेक करें, इस तरह से ये पंपिंग होती है, ठीक है। खून आ रहा है और ये ऊपर वाली साइड पे जा रहा है, यहाँ से खून आ रहा है, ये नीचे जाता है और ये ऊपर वाली साइड पे आ रहा है, चेक कर रहे हैं ना बच्चों। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये लंग से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है बच्चों, ये खून लंग से आ रहा है, ठीक है। पल्मोनरी वेन ये खून लेकर आती है, रेड कलर का खून जो ये लेफ्ट आर्ट्रियम में आकर खून गिरता है, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऊपर की जानिब जाता है, और यहाँ पर ये एओर्टा आती है, ठीक है, और ये इस एओर्टा के वॉल के जरिए एंटर होता है। चेक करें ज़रा, ये एओर्टा में एंटर होने लगा, ठीक है, ये इस वॉल के जरिए एओर्टा में एंटर हो गया। चेक करें, ये फ्लो है इसका, एओर्टा में एंटर हुआ तो इसने पूरी बॉडी को हार्ट जो पूरी बॉडी को खून सप्लाई किया, ये आर्टरीज जा रही हैं, एओर्टा से सारी आर्टरीज जो हैं वो निकलती हैं, कैपिलरीज तक जाके जो है ये काम चलता है, फिर ये वापस आता है, रिटर्न आता है ब्लड वेन्स के जरिए, ठीक है। ऑक्सीजन देकर वापस आ रहा है, ये ऑक्सीजन देकर वापस आ रहा है, ठीक है, ये बॉडी को ऑक्सीजन दे दी। अब ये वापस आएगा कहाँ से, पूरी बॉडी से, ये वेना कैवा सुपीरियर वाली और ये वेना कैवा इन्फीरियर वाली, ठीक है। अब ये दोनों खून अपने अपने डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये दोनों वेना कैवा सुपीरियर और इन्फीरियर यहाँ गिराएंगे, जिसको हम राइट आर्ट्रियम कहते हैं, ठीक है। ये ब्लू कलर का खून या पर्पलिश खून इसलिए ताकि आपको पता चल जाए कि ये राइट आर्ट्रियम में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया था, ये पूरी बॉडी से आया है। अब ये राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से ये ऊपर की जानिब जा रहा है, और अब इसने एओर्टा में एंटर होना, सॉरी पल्मोनरी ट्रंक में एंटर होना या पल्मोनरी आर्टरी। ये देखिए नीचे से नीचे पंपिंग नहीं हो रही है, ऊपर की जानिब पंपिंग हो रही है। अब ये पल्मोनरी आर्टरीज इस खून को ऑक्सीजन लेने के लिए कहाँ लेके जाएंगी, ये फेफड़ों की तरफ, ये फेफड़े हैं, ये लंग्स हैं, लंग्स ने इनको ऑक्सीजन दे दी। अब ये वापस आएगा खून पल्मोनरी वेन के जरिए, आई होप आपको समझ आएगा। वो चक्कर जो दिल से पूरी बॉडी का लगा था पहले, वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन थी, और जो लंग्स का चक्कर लगा खून का, वो जो लंग्स तक लगा वो पल्मोनरी सर्कुलेशन थी। आई होप आपने ये लेक्चर इन्जॉय किया होगा, ठीक है। मैंने आपको अच्छी तरह ये सारा कुछ जो है फ्लो समझा दिया है। ये साइमल्टेनियसली दिल खून रिसीव भी कर रहा होता है और पंप भी कर रहा होता है, ठीक है जी। ये हमारा जो है वो पूरा लेक्चर है जिसकी समरी मैंने लिख दी है। कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, और आप लोगों ने बताना आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। काफ़ी जो है वो मैंने इंटरेस्ट डिवेलप करने की कोशिश की थी, हर चीज़ आपको जो है वो समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको तमाम जो है वो चीज़ें समझ आई होंगी। आपने लाजमी फीडबैक देना है और स्टार्स अपलोड करने जैसे आप पहले करते हैं, पहले कम बच्चे अपलोड करते हैं, आज मैं उम्मीद करूंगा कि तमाम बच्चे इस लेक्चर को रेट करेंगे लेक्चर ओवर होने के बाद, कि आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा, और आपने कमेंट्स भी अपने लिखने हैं, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन अगर आपका है तो जल्दी से पूछ सकते हैं आप।
ये यहाँ नहीं बताना, ये आप लोगों ने फीडबैक में बताना, जहाँ स्टार्स अपलोड करते हैं ना वहाँ बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा लेक्चर। ठीक है जी, इस लेक्चर को बार बार सुनिएगा आप, उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल में डिफरेंस ये है कि आर्ट्रियम खून रिसीव करता है और वेंट्रिकल खून को पंप करता है, लेने और देने में फ़र्क है। ठीक है, आर्ट्रियम खून लेता है और वेंट्रिकल खून देता है। ठीक है, हाँ जी, बाकी जो आप ब्लड के बारे में, ब्लड प्रेशर क्या होता है, स्पीड क्या होती है, दिल की आवाज़ कैसी आती है, वो इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अब आप लोगों से गुजारिश है, ये लेक्चर मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, आप लोग तमाम लोग फीडबैक अपलोड करें अपना, बताएं कि ये लेक्चर आपको जो है वो कैसा लगा, कमेंट्स भी लिखें, स्टार्स भी अपलोड करें। मैं आज के लेक्चर के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ, इंशाल्लाह हम कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, तमाम लोगों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।